जुगल प्रेम को जो अंतिम परिणति, उस विलास के जो सार वस्तु है, वो प्रेम भावोल्लासरती, जिस वस्तु को महाप्रभु करुणार्ध चित्त होकर के कलिजुग पावन अवतार भगवान कलिजुग में अवतीर्ण हुए हैं, उन्नत उज्जवल रस जो कि मन बुद्धि का अगम्य, इंद्रियातीत गुणातीत लोकातीत कोई प्रकार साधन प्रचेष्टा के द्वारा यह अनुप्रवेश करना कदापि संभव नहीं है। जिस पर राधारणी की कृपा होती है वही जाकर के इस लीला के किंचित आस्वादन करने में समर्थ हो सकते हैं। मायाबद्ध जीव है, सभी भगवत सत्ता है, लेकिन माया के कारण वो अपने स्वरूप विस्मृति भूल गए जो मैं कौन हूँ। एक पंचभौतिक शरीरधारी बन करके 84 लाख जोनि में अनादिकाल से अपने कामना वासना अनुसार नाना प्रकार जोनि भ्रमण करके दुखमय सागर में गोता लगा रहा है ये जीव जगत। इसलिए भगवान आते हैं जुग जुग में, अपने पार्षदों को भी भेजते हैं कभी कभी, कभी कभी स्वयं आते हैं, कभी अंश रूप में, कभी कला रूप में, कभी आवेश रूप में भगवान आते हैं जुग जुग में। ये सृष्टि लीला, भगवान अपने सृष्टि रचना करके खेल रहे हैं, हम भी उस खेल में शामिल होकर के एक शरीरधारी बन करके खेल रहे हैं। सृष्टि रचना एक नाटक है, कुछ नहीं है, एक नाटक है। तो महाप्रभु प्रयाग क्षेत्र में अवस्थान कर रहे हैं अभी। वहाँ पर एक महाराष्ट्रीय ब्राह्मण के घर निवास कर रहे हैं रूप गोस्वामी को साध्य साधन तत्व संबंध में सुंदर रूप से उनको लीला तत्व रस तत्व ये सब तत्व विषय में निगुड़ लीला विषयक तत्व जो कि बहुत ही निगुड़ है ये प्रेम रस निर्जास हम लोग आस्वादन किए हैं। जो ये जो रस है पंच रस है शांत दास्य सुख वात्सल्य मधुर, ये मधुर रस के चरम निर्जास है राधा कृष्ण जुगल प्रेम माधुरी आस्वादन। और ये आस्वादन एकमात्र राधारणी के कृपा से ये जो मंजरी स्वरूप है ये सर्व प्रकार से निपुण है, राधारणी के कृपाधन्य होकर के वो स्वरूप प्राप्त करके नित्य लीला में नित्य सेवा में नित्य काल के लिए रहते हैं ये मंजरी। पंचम पुरुषार्थ प्रेम गोलोक धाम में सभी प्रेममय है, दास्य सुख वात्सल्य मधुर, दास्य भाव जो भगवान को दास्य रूप में प्रभु जानकर के सेवा करते हैं, उनके सुख संपादन करते हैं, सुख रस के उपासक हैं, श्रीदाम सुदाम दाम वसुदाम आदि। यहाँ भी भौम लीला में भी कोई कोई सुख रस के उपासक उपासना अपना करके भगवान को ऐसे अपने सखा मान करके वो लीला में अनुप्रवेश करते हैं। कोई वात्सल्य उपासना है जो कृष्ण का अपने पुत्र मान करके अपने पालक जान करके अपने को पालक कृष्ण को पाल्य जान करके इस तरह से अपने पुत्र जान करके अति प्रेममय भाव लेकर के कृष्ण के प्रति एक वात्सल्य प्रेम की एक निर्जास चरम अवस्था जो माता जशोमती माता जिस तरह से कृष्ण को प्रेम करते थे ऐसे ही प्रेम भाव लेकर के
वो लीला रस में निमग्न हो जाते हैं। ये वात्सल्य उपासना पद्धति जो कि ये ब्रज में ही है, ब्रज छोड़ के कुत्रापि ये रस उपासना पद्धति, ऐसे मधुर जो उपासना के ऐसे विस्तार ये और कोई उपासना पद्धति में है नहीं। ब्रज में जिस तरह से जुगल उपासना, राधा कृष्ण प्रेम उपासना में हम लोग जिस तरह से आकृष्ट होकर के उपासना करते हैं, कोई दास्य भाव, कोई शुक्र भाव, कोई वात्सल्य भाव, कोई माधुर्य भाव, माधुर्य भाव में भी सखी है, सखी प्रिय, सखी प्रिय नर्म, सखी प्राण सखी, या हमारे जो गौरी उपासना पद्धति में ये सखी प्रकरण, ये और उपासना में इतना सखी प्रकरण है नहीं। जैसे हरिदासी संप्रदाय में, हरिदास स्वामी के संप्रदाय में एक ही सखी है, वह है ललिता सखी, और एक ही निभृत निकुंज सेवा, और हमारे ऐसा नहीं है। हमारे निभृत निकुंज सेवा तो है ही है, ये छोड़ के भी और सेवा है बहुत सारी, अष्टधाम अष्टकालीन सेवा, बहुमुखी, ये रस बहुमुखी है। एक निकुंज भवन में भी जो ये लीला संपादित होती है ऐसे नहीं, कभी वन भ्रमण करते हैं, कभी वन विहार करते हैं, कभी राधारानी कभी जाबर जाते हैं वहाँ लीला करते हैं, बहुमुखी लीला पद्धति है। सभी सत्य है, ये नहीं कोई अगर कह दे कि ये झूठा, ये झूठा है, ये ठीक नहीं, ये ठीक है, ऐसा नहीं है, यह हमारे समझ की भूल है। वहाँ अनंत लीला बारी थी, गोलोक धाम है एक कमल दल जैसे, कमल फूल, कमल फूल के अंदर जो कर्णिका होता है, कर्णिका बीच में जो स्थान होता है, ऐसे कर्णिका है, उसके अंदर अनंत कोठरी है, और अनंत कोठरी में एक एक कोठरी में राधा कृष्ण एक एक लीला प्रकटन करते हैं, ऐसे अनंत कोठरी अनंत लीला, यह अनंत है, ऐसा कोई कह नहीं सकता है जो हम जान चुके हैं, वो सबसे बड़ा मूर्ख है, वो सबसे बड़ा मूर्ख है। भगवान तो अनंत को कौन जान सकता है, तो अनंत खुद अपने को जानने के लिए भगवान शिव रूप में, सदा शिव रूप में ध्यानस्थ होकर जान रहे हैं, अपने को जान रहे हैं, जान रहे हैं, वो अनंत है, वह समाप्त होता ही नहीं। अनंतो माइनस अनंतो इजिकल टू अनंत, अनंत से अगर अनंत माइनस किया जाए क्या रहेगा रिजल्ट, अनंत माइनस अनंत इजिकल टू अनंत, अनंत अनंत माने अंतहीन, कौन पार पाया, कोई कह सकता है भगवान कैसे हैं, एक एक तिल भर मात्र अगर उनके कृपा कटाक्ष, राधारानी के कृपा कटाक्ष किसी के प्रति अनुग्रह करके राधारानी कृपा कटाक्ष निक्षेप करते हैं, किसी के हृदय में पलक के लिए अगर वो कृपा आ करके उसको धन्य करते हैं, तो वो ये समस्त दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ सब फीका पड़ जाता है। भौतिक जगत के समस्त सुख समृद्धि अगर एकीभूत करके दिया जाए, ये लो प्रेजेंटेशन करने, ये लो, और एक तरफ वो प्रेम, उसका एक कण भी नहीं, उसका साथ कोई कंपेयर हो ही नहीं सकता है, वो प्रेम उसका कौन वर्णन कर सकता है। तो ये प्रेम माधुरी, यहाँ अगर कहें जी ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये अच्छा है, ये उत्तम है, ये ऐसे नहीं है, वहाँ अनंत प्रेम, अनंत धारा, अनंत स्रोत। जैसे एक बगीचा में एक ही फूल है, बहुत सुंदर फूल, आप एक छाट लीजिए जो सबसे सुंदर कौन सा फूल हो सकता है, ऐसा फूल लाके पूरा बगीचा वही एक ही फूल का बगीचा बनाए, सब फूल खिला हुआ है, एक बार दो बार देखेंगे फिर देखेंगे नहीं, उसमें वो चमत्कृति नहीं है। और हजारों प्रकार का फूल देखेंगे, नाना प्रकार, छोटा बड़ा नाना प्रकार, तो आप देखते रहेंगे, देख अरे बाबा देखो ये सुंदर, ये सुंदर, ये वाला देखो, ये वाला देखो, ये तो ऐसे ही भगवान वो अनंत लीला एक दूसरे के परिपूरक है। जैसे सखी प्रकरण में
सपक्षा विपक्षा सुरित पक्षा तटस्थ पक्षा, चतुर्विध पक्ष है राधारानी के हमारे गौरी उपासना में। सपक्ष है जो राधारानी के ही राधारानी को ही समर्थन करते हैं, कोई भी स्थिति में बस राधारानी को ही जानते हैं और कुछ जानते नहीं हैं, बस हर स्थिति में राधारानी के समर्थन में रहते हैं। यह है ए मंजरी और प्राणसखी जितना है। विपक्ष है चंद्रावली आदि, विपक्ष है ये भी रस उपकरण। कोई अगर सोचे कि ये वहाँ विपक्ष होता है कभी, ऐसा होता है, वो चंद्रावली राधारानी है लीला उपकरण। जब राधारानी मानिनी होकर के जब जाकर के तीव्र मान दशा प्राप्त होकर के राधारानी मानिनी हो जाती हैं तो एक मान भंजन लीला, ये तो नायक नायिका के जो मान भंजन लीला उसकी जो चमत्कृति उसका एक विशेष आनंद है। तीव्र मान के बाद जो मिलन होता है उसको कहते हैं समृद्ध मान संभोग। ये वैचित्र्य, ये विचार के अगम्य, मन बुद्धि के द्वारा वहाँ अनुप्रवेश करना संभव नहीं है। जैसे मान लीजिए राधारानी और कृष्ण दोनों अपनी सखियों के साथ, सपक्षा जो सखी हैं, जो मंजरी और ललिता आदि सखी जो अपने सपक्षा उनके साथ जा रहे हैं वन भ्रमण करते करते जा रहे हैं, वन शोभा दर्शन कर रहे, अद्भुत वन शोभा, जो अप्राकृत दिव्य मायातीत इंद्रियातीत गुणातीत जोगमाया के द्वारा रची हुई वो दिव्य वो वन प्रदेश, अनंत प्रकार के लता गुल्म आदि। हमारे भौतिक जगत के ऐसे नहीं है, यहाँ जो सब पत्ता हरा पत्ता है ऐसे हैं, वहाँ ऐसे नहीं, लाखों प्रकार का पत्ता के ही रंग है। पत्ता का डिजाइन देखो तो लाखों प्रकार का, एक एक पत्ता का डिजाइन, एक पत्ता का डिजाइन सिर्फ देखते रहो, न जाने कौन विधाता ने कौन सा सृजनी शक्ति के द्वारा इतने सुंदर एक पत्ता के निर्माण कार्य में अपने समस्त कला को लगा दिए हैं, प्रयोग किए हैं, अद्भुत अद्भुत। जब वन भ्रमण करते हैं तो एक वन चलते चलते और दूसरा वनभूमि एक टर्न लेकर के दूसरा तरफ गए हैं तो ऐसे सुंदर लता गुल्म आदि वृक्ष लता नाना प्रकार वृक्ष राजी नाना प्रकार पुष्प शोभित तो, खिली हुई पुष्प नाना प्रकार रंग बिरंगे और अद्भुत अद्भुत सुगंधित ऐसे आमोदित तो करते हैं वो वन प्रदेश, जैसे कभी देखे नहीं है ऐसे वनभूमि, एकदम नित्य नवीनतम, वह तो नित्य नवीन नित्य नवायमान जोगमायाकृत रचना है, वो अद्भुत अप्राकृत, वो इंद्रियातीत गुणातीत, वो तो एकमात्र एक, ये तो एक दिग्दर्शन मात्र, वास्तव में उसका वर्णन तो होना संभव नहीं है। हम तो कहने के लिए प्रयत्न करें हमारी मूर्खता है, लेकिन क्या कहें, थोड़ा मन करता है अपने वाणी के द्वारा थोड़ा सा आभाषित, थोड़ा सा अपने को भी शोधन करने के लिए, अपने को भी उस चिंतन में एक तल्लीनता तन्मयता के लिए थोड़ा थोड़ा वाणी को पवित्र करने के लिए थोड़ा कहते हैं। वास्तव में शब्द का वहाँ प्रवेश नहीं है, शब्द के द्वारा वो उसका वर्णन होता नहीं है, वो जोगमायाकृत। कितना सुंदर वन शोभा, और वन शोभा नहीं, उस वन में दो प्रकार कुंज है, एक है मुनिमय कुंज, एक है लता गुल्मादी द्वारा बनी हुई अप्राकृत स्वाभाविक ही, माने लता गुल्म आकर के ऐसे सुंदर ढंग से न जाने कौन विधाता ने अद्भुत सृजनी शक्ति के द्वारा एक निर्माण कार्य में वो लता गुल्म के द्वारा कुंज रचना किए हैं, जैसे कुंज ऑटोमेटिक स्वाभाविक ऐसे लता गुल्म द्वारा एक वनलता शोभित एक कुंज। तो दो प्रकार कुंज है, एल वनलता परिवेष्टित नाना प्रकार फूल राजी सुशोभित तो स्वाभाविक ही कुंज बनी हुई है, अलग अलग कुंज, और कहीं है तो मुनिमय कुंज, और वो कुंज भी नाना प्रकार रंग उनके अलग अलग रंग, ऐसे रंग हैं जिसका कोई वर्णन होता नहीं है, कोई कह नहीं सकता इसका रंग क्या है। जैसे हरा पीला नीला सफ़ेद काला, ये कुछ रंग हम शब्द के द्वारा
व्यक्त कर सकते हैं, ये रंग कैसे नहीं हरा है, ये नीला है, ये ऐसा है, लेकिन ऐसे ऐसे रंग है जिसका कोई शब्द की तरह वर्णन होना संभव नहीं है, ऐसे रंग है वो कुंज के। और हीरा मोती नाना प्रकार अप्राकृत जगत की जो मुनियों से बनी हुई कुंज, हेमकांत बनी, चंद्रकांत बनी, नीलकांत बनी, वैदुर्य मणि, मुक्ता मणि, नाना मणि, प्रबाल मणि, स्वर्ण मणि, रजत मणि, नाना मणि, ऐसे मणियों से बनी हुई अद्भुत रंग, अद्भुत ढंग, अद्भुत शोभा, स्वाभाविक ही किसने बनाए हैं इसका कोई तो वह तो कोई ऐसा है ही नहीं। एक पत्र जोगमाया के द्वारा बनी हुई ऐसे सुंदर अद्भुत कुंज शोभा। और एक एक कुंज में जुगल किशोर विहार करते, एक एक कुंज में, आज जिस कुंज में विहार किए हैं काल वो कुंज नहीं, नित्य नवीनतम जैसे कभी दिख नहीं। अरे ये तो और अद्भुत, लता गुल्म परिवेष्टित, तो ऐसे ऐसे लता, ऐसे ऐसे फूल, ऐसे ऐसे पुष्प, ऐसे सुगंधित, ऐसे कभी देखे नहीं, ये और ऐसे चमत्कृति जो ये कैसे संभव, किसने बनाया इतना सुंदर वनलता शोभित, तो इतना सुंदर कुंज भवन। फिर परशुवीर अलग, फिर चलते चलते ऐसे अद्भुत कुंज नित्य नवीनतम, ऐसे हैं वहाँ सिर्फ नित्य नवीन, नित्य नवीन, एक सा नहीं है। हमारे जो लीलास्मरण पद्धति है, जिसे लीलास्मरण पद्धति हम लोग चिंतन करते हैं, वो तो एक तो दिग्दर्शन, ऐसा नहीं रोज ऐसे ही लीला प्रकटन करते हैं, ऐसा नहीं, वो तो अपने मन को लगाने के लिए, चिंतन करने के लिए एक प्रक्रिया विशेष, लेकिन वहाँ नित्य नवायम, नित्य नवीनतम है ना, नित्य नवीनतम। मान लो शाम संध्या के समय, संध्या के प्राक मुहूर्त, अपराह्न समय, राधा कृष्ण और सखियों के साथ वन भ्रमण में निकले हैं, वन प्रदेश में बड़ी सुंदर मृदुमंद समीरन, बड़ी सुंदर दिव्यादिव्य आकाश बतास, इतना मुखरित तो चारों ओर पुष्पलता, इतना सुंदर सुगंध ऐसे आमोदित कर रहे हैं, एक ऐसे सुगंध जो भौतिक जगत में वो सुगंध चिंता की अतीत। हम लोग सेंट नाना प्रकार गुलाब चमेली जूही आदि सब नाना प्रकार से, वो अलग चीज़ है, वो सेंट अलग चीज़ है, ऐसे फूल की जो ऐसी सुगंध ऐसे दिव्य जगत के ऐसे हैं। जुगल किशोर जा रहे हैं, सखियाँ पीछे पीछे जा रही है, सपक्ष सखी, इतना में विपक्ष सखी जो है, विपक्षा माने कृष्ण के, कृष्ण से ज़्यादा प्रेम रखते हैं, राधा रानी से प्रेम नहीं, कृष्ण स्नेहादिका, एक है राधा स्नेहादिका, कुछ सखी है कृष्ण स्नेहादिका, कृष्ण स्नेहादिका सखी जो है ये कृष्ण से ज़्यादा प्रेम रखते हैं, राधा रानी से नहीं। कभी कभी कुछ ऐसे टोंटिंग भी होता है, चलते चलते सखियों आपस में राधा रानी के सपक्ष सखी जो है, राधा रानी के सपक्ष में कुछ कह करके उनको टोंटिंग करते हैं, वो भी एक ऐसे शब्द बाण छोड़ देते हैं, कृष्ण के सपक्ष में ऐसे आनंद देते हैं। जाते जाते आप विपक्ष सखी जो है वो मिल रहे हैं, देखते हैं जुगल किशोर जा रहे हैं, अब तो एक फॉर्मेलिटी होता है, आओ 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 सखी, आओ बैठे, थोड़ा आनंद लो, वन शोभा सुंदर, पुष्प शोभित, अद्भुत शोभा, प्राकृतिक शोभा, जोगमाया कृत ऐसी रचना, दिव्याति दिव्य रचना, वो कौन कह सकता है, ये तो दिग्दर्शन मात्र प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन ऐसा तो संभव नहीं है, हमारे वाणी का तो वहाँ प्रवेश नहीं, हम तो एक मूर्ख हैं, फिर भी इच्छा होती है कुछ कहूँ। आप इधर कृष्ण सपक्ष जो सखी हैं वो कृष्ण के तरफ में ठाड़े हो गए हैं, और राधा रानी के सपक्ष जो सखी हैं राधा रानी के बगल में ठाड़े हो गए हैं, आप आपस में गुणानुवाद कर रहे हैं, कृष्ण गुणानुवाद, कृष्ण गुणानुवाद कर रहे हैं कृष्ण के सखी, कृष्ण जो स्नेहादिका सखी है, एक राधा स्नेहादिका, एक कृष्ण स्नेहादिका, एक सपक्षा, एक विपक्षा, एक सुरित पक्षा, दोनों में ही प्रेम रखते हैं, और एक तटस्थ पक्षा दोनों पक्षों में ही है, कभी राधा रानी से भी प्रेम रखते हैं, कृष्ण से भी प्रेम रखते हैं, समान बराबर, यह तटस्थ पक्षा। असुरित पक्षा है जो
राधा रानी से ज्यादा लगाव रखते हैं। ये अष्टविध सखी है। ललिता विशाखा चित्रा इंदुलेखा चंपुलता चंपकलता रंगदेवी तुंगविद सुदेवी। और सपक्षा है रूप मंजरी रति मंजरी विलास मंजरी कस्तूरी मंजरी मंजरी आली मंजरी रस मंजरी गुण मंजरी लवंग मंजरी अनंग मंजरी। देखिए ये हमारे रस उपासना पद्धति, ये वृंदावनी उपासना। अगर ये वृंदावनी उपासना, वृंदावन में हम ये आलोचना नहीं करेंगे, इस विषय में हम कुछ कुछ हमारे कुछ धारणा नहीं होगी, तो ये तो बहुत दुख की बात है ना। ये तो कहीं मिलेगा नहीं, ब्रज के बाहर जाके उपासना विषय में तो कुछ जानना संभव नहीं है। और वही भूमि है, वही दिव्य भूमि है, जिस भूमि में अभी भी कृष्ण राधा कृष्ण वही लीला करते हैं। अद्यपिओ से लीला करे श्याम राय, कोनो कोनो भाग्यवान देखिबारे पाए, अभी भी देखते हैं वो लीला रस आस्वादन करते हैं। तो यह हमारे उपासना के केंद्र है वृंदावन। ये हमारे वृंदावनी उपासना, यहाँ भगवान नहीं, वो हमारे सबसे प्रियतम सबसे निकटतम कृष्ण कौन है, भगवान नहीं, हम भगवान भगवान जानते नहीं है। कौन है, कौन है तुम्हारा, बोले क्या कहूँ, ये शब्द का अगम्य, हमारे सबसे प्रियतम सबसे निकटतम, ये सुन लो बस। उससे प्रियतम और कोई है नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड विष्णु लोक में भी वो उतना प्रियतम और कोई है नहीं, कृष्ण हमारे ऐसे प्रियतम है ना। आप कृष्ण पक्ष के जो सखियां हैं, ये कृष्ण गुणानुवाद कर रहे हैं, कृष्ण के गुणानुवाद कर रहे हैं, और कृष्ण कृष्ण के गुणानुवाद श्रवण करके राधा रानी इतने भाव भाविता हो रही है, एकदम जैसे विगलित हो रही है, जैसे कौन अनंत एक अखंड आनंद सिंध में निमग्न हो रही है राधा रानी, एक महाभाव समुद्र में जैसे उफान आ रही है, पुलकित अंग हो करके राधा रानी भाव विभावित होकर भाव दशा प्राप्त हो रही है कृष्ण गुणानुवाद श्रवण करके। मैंने कृष्ण सभी कृष्णमय, देवी कृष्णमयी, राधिका पर देवता सर्वलक्ष्मीमयी, सर्वकांति सन्मोहिनी परा, देवी कृष्णमयी हो, कृष्णमयी है, कृष्ण प्रेममयी, कृष्ण प्रेम से बनी हुई राधा रानी, उन परमाणु उनकी जो भी शोभा है सब कृष्ण सुख सुख तात्पर्यमय सेवा, कृष्ण सुख संपादन के लिए उनके अखिल चेष्टा, कृष्ण उनकी चिंता उनकी भावना उनकी इच्छा उनकी रुचि सब कुछ कृष्ण पर्यावसन, यह है हमारी राधा रानी। राधा रानी के पास जाकर के राधे 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 करने से राधा रानी का वो आनंद नहीं, राधा रानी के पास जाके कृष्ण 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 नाम सुनते ही एकदम पुलकांगी होकर के राधा रानी भाव दशा प्राप्त है, कृष्ण 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 कृष्ण। इसलिए हमारी उपासना पद्धति हम कृष्ण कृष्ण करते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। राधा रानी के सुख संपादन ही हमारी अखिल चेष्टा। कृष्ण नामिते भाई राधिका चरण पाई, कृष्ण नाम करते हैं तो राधा रानी प्रसन्न होकर अपने चरण कमल देते, तेरे को क्या दूं, ले मुझे चरण कमल तेरे माथे पे मैं धर देता हूँ, ले। कृष्ण नामित भाई राधिका चरण पाई, राधा नामित पाई कृष्ण चंद्र, जब राधा नाम करते हैं तो प्रसन्न होकर कृष्णा के माथे पे पांव धर देते, अरे अरे इसको क्या दूं, जय हो जय हो। राधा रानी के नाम सुना करके हमका कृत कृत कर दिया, कृष्ण पुलक ऐसा है ना, वहाँ तो परिपूरक है ना, राधा नाम करते हैं तो कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, कृष्ण नाम करते हैं तो राधा रानी प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। तो वहाँ जो कृष्ण स्नेहादि का सखी कृष्ण गुणानुवाद कर रहे हैं, राधा रानी प्रसन्न हो करके एकदम भाव समुद्र में डूब जाती है, और इधर अब राधा स्नेहादि का जो सखी है अब राधा रानी के गुणानुवाद कर रहे हैं, ये सुन करके कृष्ण एकदम भाव विभक्त होकर के राधा रानी के भाव से भावित होकर के एकदम अखंड आनंद सिंधु में निमग्न हो रहे हैं। तो देखो यह चिंता के विषय है, राधा रानी को सुख संपादन कौन कर रहे हैं,
विपक्ष सखी है, तुम विपक्ष सखी को तुम गौण कर रहे हो, जो ये भाई राधा श्री आदि का उत्सृष्ट है वहाँ परिपूरक, यहाँ जितना है सब परिपूरक, सब प्रेम, प्रेम की एक एक उपकरण, यह हमको समझ में नहीं आता है। ना आने का कारण हम छोटा बड़ा इस तरह से नाना प्रकार भाव लेकर के अपना वक्तव्य दे करके कभी तो अपराध कर बैठते हैं, कभी तो किसी के हृदय में ठेस पहुँचाते हैं, वो तो पहुँचता है नहीं, है ना। ये सभी उपकरण, सभी उपकरण वहाँ है। और राधा रानी के जो स्नेहादि का जो सखियाँ जो राधा रानी का गुणा गुणानुवाद करते हैं, उसमें कृष्ण को सुख संपादन, सुख संपादन कर रहे हैं, जो कि कृष्ण स्नेहादि का सखी जो है उतना सुख देने में समर्थ नहीं है। तो इसलिए ये यहाँ अगम्य है, वहाँ अनुप्रवेश है नहीं, वहाँ सब लीला उपकरण, सब लीला उपकरण ऐसे है ना। और सबसे मजे की बात सुनेंगे, एक मजे की बात सुनेंगे, हमारे आराधना के तात्पर्य जो क्या है, हमारे उपासना क्या है, बोलिए तो हमको, हमारा भजन क्या है, जानते हैं, जानते हैं जी आप लोग। हमारे भजन का एकमात्र तात्पर्य जो है राधा रानी के सुख संपादन, हमारे प्राणेश्वरी कैसे सुखी होंगे, उनके सुख संपादन के लिए हमारे अखिल चेष्टा। हम जो नाम करते हैं, हम जो कीर्तन करते हैं, हम जो भजन करते हैं, हम जो साधन करते हैं, हमारे एकमात्र अखिल साधन का तात्पर्य जो है हमारे राधा रानी के सुख संपादन। राधा रानी कैसे हमारे सुखी होंगे, अपने सुख के लिए कोई अनुसंधान नहीं, यह है हमारे मंजरी उपासना पद्धति के प्राण केंद्र। अपने लिए कोई कामना नहीं, इसीलिए जो भजन करते हो कभी प्रार्थना नहीं करना चाहिए, कामना नहीं करना चाहिए, राधा रानी ये कर दो, 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 ये, क्योंकि हम तो जानते ही नहीं है हमारे मंगल किस में होगा, कैसे होगा, हम तो जानते नहीं है ना। हम तो अपना बुद्धिमत्ता के अनुसार कभी कुछ मांगते हैं, कभी कुछ मांगते हैं, प्रभु कन्या की शादी करा दो, प्रभु पुत्र का दिमाग में कमजोर है, थोड़े से पढ़ाई लिखाई में मन लग जाए, राधा रानी ये, राधा रानी ये कर दो, वो कर दो, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, कभी प्रार्थना नहीं करना चाहिए। तुम जो अच्छा समझो हे प्राणेश्वरी तुम करो, है ना। राधा रानी कहती है तुम मेरी चिंता करो, मैं तुम्हारी चिंता करूंगी। अगर तुम अपनी चिंता करते रहोगे, अपने चिंतन में ही तुम तल्लीन हो, तो मैं क्या जरूरत है तुम्हारी चिंता करने का। अगर तुम मेरी चिंता करोगे तो तुम्हारे लिए क्या करना है क्या नहीं करना है वो मैं देखूंगी, मेरे ऊपर छोड़ दो, फिर मैं संभाल लूंगी, बस तुम्हारे मन को हमको दो, बस हमारे चिंता में, चिंतन में तुम अपने मन को लगा दो, और बाकी विषय चिंतन करने का आवश्यकता है ही नहीं, बाकी हम मैं देख लूंगी, बस हमारे ऊपर छोड़ दो। तुम मेरी चिंता करो, मैं तुम्हारी चिंता करूँगी, अगर तुम तुम्हारी चिंता करोगे तो हमको क्या प्रयोजन है तुम्हारी चिंता करने का। तुम करो, करके देखो, करके कुछ करो, करके जब देखोगे तुम्हारी चेष्टा के द्वारा कुछ होता नहीं है, मंगल हो नहीं रहा है, राधा ने कहते फिर मेरी शरण में आना, फिर मैं देख लूँ, है ना, है ना। और एक मजे की बात सुनिए, जैसे हमारे अखिल चेष्टा राधा रानी के सुख संपादन, नित्य लीला में राधा रानी कैसे प्रसन्न होंगे, ऐसे राधा रानी की भी समस्त चेष्टा हमारी सखी को मैं किस तरह से सुखी सुख संपादन कर सकती हूँ, क्या दूंगी उसको, क्या दूंगी, क्या दूंगी ऐसे, क्योंकि वो आत्मसमो ना, जैसे राधा रानी हमारे आत्मसमो और वो मंजरी भी राधा रानी की आत्मसमो। वहाँ राधा रानी का प्रयोजन क्या है, वहाँ तो आत्मनाम आप्त काम पूर्ण काम भगवान है, पूर्ण ब्रह्म आनंदमय सच्चिदानंद विग्रह, उनका क्या जरूरत है सेवा नहीं, सेवा ये मंजरी जो सेवा करके वो आनंद प्राप्त होते हैं, तो राधा रानी का कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन उसके सुख संपादन के लिए ही राधा रानी कृपा करके उस सेवा को स्वीकार करती है। ऐसे है राधा रानी चिंता करती है कि इसको हम, ये सखी को मैं कैसे
इसको सुखी करो, ऐसे है ना। तो ये हमारे सशुक वासना रहित निष्काम एकमात्र जुगल किशोर के सुख ही को तात्पर्य वही सेवा, उनकी प्रसन्नता ही सेवा। सेवा माने उनकी प्रसन्नता, सेवा माने क्या, किसे सेवा कहते हैं? सेवा माने ये निहात पाँव दबाना सेवा नहीं है। सेवा माने उनको उनको प्रसन्न करो, उनकी प्रसन्नता संपादन ही सेवा है। अगर हम सेवा कर रहे हैं, हमारे इष्ट प्रसन्न नहीं होते हैं, हो रहे हैं, तो समझते थे ये सेवा नहीं, तुम्हारी सेवा नहीं हो रहा है। सेवा माने उनको प्रसन्न करो, है ना। तो इस तरह से बोलो, क्या जो सेवक है वो मानो गुरु सेवक ही हो, तो गुरु को प्रसन्न करने की चेष्टा तो सभी करते हैं, और क्या गुरुजी भी सब समय प्रसन्न रहें उसके प्रयास को देख करके, क्या ऐसा संभव है कि? देखो, प्रयास का प्रयास माने हर क्रिया ही प्रसन्नता का कारण होता नहीं है, क्रिया माने ही प्रसन्नता नहीं है ना। कैसे प्रसन्न होते हैं, क्या चाहते हैं, तदनुसार उनको प्रसन्नता के लिए चलना है। कभी गुरुदेव चाहते हैं कि हमारे सामने अभी कोई नहीं आ जाए, आना नहीं चाहिए, अभी मैं चिंतन में हूँ, कुछ में कैसे भाव में हूँ। तो उस समय हम बहुत गुरु के बहुत प्रिय हैं, लेकिन उस समय के लिए गुरु के सामने मत जाना, किसी को जाने भी नहीं, तो तुम भी नहीं जाना, ठीक है। ऐसे हम नहीं चाहते इस समय तुम आ जाओ हमारे यहाँ, रहो यहाँ, ऐसे समय विशेष है ना। हम देखें, एक बार हम बैठे हैं जंगल में, गिरिराज तराटी में, जानता है गुरुदेव है और हम हैं, संध्या के समय गिरिराज तराटी में, उसमें जंगल ही जंगल था, अभी तो यहाँ सब घर मकान बन गया गिरिराज तराटी में, कोली का महाप्रवेश हो गया, उसमें ऐसा नहीं था, बड़े सुंदर गिरिराज तराटी, जंगल जंगल जंगल, और जंगल में एक छोटी कोठरी में गुरुदेव रहते थे, हम लोग रहते थे गुरु जी के पास, एकांत शांत वातावरण कुछ नहीं, वो बैठे रहने से ही आनंद, उसमें भजन हो जाता है, कोई लोग नहीं, जन नहीं, जंगल है, रात में भी जंगल है। तो एक दिन संध्या के समय गुरुदेव बैठे हैं, बंगाल से कोई भक्त आया है गुरु जी के दर्शन इच्छा लेकर के, तो सुने हैं बाबा रह रहे हैं गिरिराज तराटी में जंगल में, सुन करके वहाँ आए हैं, आ करके दूर से दंडवत के संध्या के समय बाबा एक भाव विभावित होकर अपने भाव में रह रहे हैं, अचानक आके उनके पाम छूके इस तरह से दंडवत किया। अरे भाई, गुरुदेव इतना जम के चिल्लाया जैसे कोई पेट्रोल डाल के आग लगा दिया, इतना जम के चिल्लाया एकदम, और उसकी इतना जम के फटकार दिया, हम भी घबरा गया, हम आए और गुरुदेव है और कोई है नहीं, आए हैं बहुत दूर से, बहुत आशा लेकर के गुरु सन्निधि गुरुचरण स्पर्श करके प्रणाम किए, इतना ही किए, कुछ नहीं। तो ऐसा है, देखना पड़ता है गुरुदेव किस भाव में है, वो जान करके तुमको इस तरह से सम्मान करो या कुछ करो, सेवा भावना लेकर के, ऐसे नहीं है, है ना। उनकी प्रसन्नता प्रसन्न करना, हम चाहते हैं जो हम जैसे चाहें गुरुदेव ऐसे ही उसको स्वीकार करेंगे, ये सेवा नहीं है, है ना। गुरुदेव की प्रसन्नता कैसे होती, हमारे गुरुदेव जो है ना, उनका पास कोई जाता ही नहीं था सारा दिन में, संध्या के समय में भी सेवा फेवा कुछ नहीं, मौन तो रहते ही थे, पेड़ के नीचे ज़्यादा तो रहते थे, आश्रम में रहते ही नहीं थे, उम्र कभी पानी ज़रूरत हुआ बस पानी दिया है, बस इतने हटो, ऐसा है ना। तो उस समय गुरुदेव की प्रसन्नता यही सेवा है, सेवा माने इष्ट की प्रसन्नता संपादन के लिए कायमन वचन से जो क्रिया होती है उसी को सेवा कहा जाता है।
अच्छा फिर हम लोग आगे चलेंगे। पर इस तरह से रस तत्व संबंध में समस्त तत्व विषय में प्रवीण करके रूप गोस्वामी को शक्ति संचार करके फिर बोले हैं तुम दोनों जाओ वृंदावन, जाओ वृंदावन जाकर भजन करो, तत्सहित तुम ये रसशास्त्र प्रणयन करो, भक्ति रसमित उज्जवल नीलमणि, भक्ति रसमित सिंधु आदि ये सब शास्त्र प्रणयन करो, वृंदावन जाओ और लुप्त तीर्थ उद्धार करो। इस तरह से आदेश दे करके जो हम तो अभी चलेंगे जगन्नाथपुरी नीलाचल चलेंगे, फिर मिलेंगे रूप गोस्वामी और उनके छोटा भाई अनुपम वल्लभ जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन क्या करेंगे, फिर भी महाप्रभु का आदेश बड़े कष्ट से चल दिए हैं वृंदावन की ओर। महाप्रभु वहाँ से चले हैं सीधा काशीपुरी है, प्रयाग क्षेत्र से आवाए हैं महाप्रभु काशी। काशी में आकर के वहाँ तपन मिश्र, ये तपन मिश्र हैं जो बंगाल में महाप्रभु जब गृहस्थ अवस्था में जब विद्या अध्ययन करते थे और अध्यापना कराते थे उस समय बंगाल गए थे, वर्तमान बांग्लादेश उस समय गए थे। उस समय एक भक्त वो साध्य साधन तत्व संबंध में कुछ निरूपण कर नहीं पा रहे थे, जो हमारे लिए हमारे परम मंगल साधन के लिए क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं, तो बहुत चिंतित होकर भगवत चरण में प्रार्थना की, हे प्रभु आप कृपा करो, अब मैं चाहता हूँ संसार चक्र से मुक्त हो जाऊँ, मुक्त हो तो जाऊँ लेकिन क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, साध्य साधन तत्व संबंध में हमारे कोई ज्ञान नहीं है। तो रात में स्वप्नादेश हुआ, तू जा फलाना जगह जा, वहाँ निमाई पंडित नामक ब्राह्मण कुमार वहाँ निवास कर रहे हैं बंगला में, वो साक्षात पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान, तो उनके चरण सान्निध्य में जाके साध्य साधन तत्व संबंध में प्रश्न करना, वो तेरे प्रश्न का निरसन करेंगे, तेरे को उपदेश करेंगे, वहाँ चले जाना। तो वो स्वप्नादेश पा करके तुरंत वहाँ से चले, चलते चलते आए हैं जसपुर जिला के वहाँ एक जगह जहाँ महाप्रभु निवास कर रहे हैं। महाप्रभु के दिव्य स्वरूप अखंड नेत्र सुंदर दिव्य चंद्र किरण जैसे उनके अंग के द्युति घुंघराली केश और इतने सुंदर सुठाम देह चौड़ा वक्षस्थल जनऊधारी माने दिव्याति दिव्य, उनको दर्शन मात्र से ही एक अद्भुत दिव्य आकर्षण शक्ति जैसे खींच करके ला करके उनके चरण प्रांत में ला के गिरा देते हैं। भगवान है ना, ये शक्ति भगवान में है, तो देखते ही उनके भीतर एकदम हृदय जैसे खिल गया है, चरण प्रांत में आकर के दंडवत प्रणति करके रो रहे हैं। क्यों रो रहे हो भाई, ना प्रभु हमने ऐसे स्वप्न देखा, स्वप्नादेश जो हम साध्य साधन तत्व में हमारे कोई ज्ञान नहीं है, हमको क्या करना चाहिए, आप बताइए, आप जैसे कहेंगे हम ऐसे ही करेंगे। तो महाप्रभु कहते हैं देखो मैं तुमको ये हरि नाम कह रहा हूँ, ये हरि नाम करते रहो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, बस अभी ये नाम तुम करते रहो, जपिते जपिते जब प्रमाणकुर हबे साध्य साधन तत्व अपनी जानिबे, ये जब करते करते जब प्रेमांकुर होगा, प्रेम का अंकुरित होगा तुम्हारे भीतर, तब साध्य साधन तत्व तुम खुद जान जाओगे। अभी तुम काशीपुरी चले जाओ, बनारस चले जाओ, वहाँ तुमसे हम मिलेंगे, फिर जाकर तुमसे हम फिर वार्ताव करेंगे। ये तो बहुत पहले की बात है, महाप्रभु तो जानते सर्वज्ञ भगवान है ना, तो हमको जाना है काशीपुरी, कैसे जाएंगे सब जानते हैं। तो तपन मिश्र क्यों हमको काशीपुरी भेज रहे हैं भगवान जाने, फिर उनका आदेश मान करके चल दिए वहाँ से, बंगाल से चल दिए काशीपुरी। काशीपुरी जा करके वहाँ रह रहे हैं तपन मिश्र, तपन मिश्र रह रहे हैं और तीव्र आग्रह लेकर दिन गिनते हैं, कब आएंगे प्रभु, जो हमको जो वचन दे के गए हैं, प्रभु आएंगे प्रभु आएंगे प्रभु आएंगे, कब आएंगे क्या जाने, शबरी के जैसे इंतजार कर रहे हैं, कब आएंगे प्रभु आएंगे। तो इस तरह से अधीर आग्रह में इंतजार कर रहे थे। तो महाप्रभु पहले तो मिल के गए हैं तपन मिश्र के यहाँ, पहले मिल के गए हैं, अब वृंदावन गए हैं, महाप्रभु के अधीर आग्रह लेकर के महाप्रभु कब आएंगे ऐसे भावना लेकर
तीव्र आग्रह लेकर इंतज़ार कर रहे हैं। तपन मिश्रा भी आएंगे, उस समय तो ज़्यादा दिन हमारे यहाँ थे नहीं, तो इस बार प्रभु आएंगे तो प्रभु का बड़ी आदर करके बस यही रखेंगे, प्रभु अब यहीं रह जाओ, अब दिल में बैठे के रखेंगे, दिल से कभी अब जाने ही देंगे नहीं। ऐसे भक्त भगवान की एक प्रेम लीला। महाप्रभु आए हैं काशीपुरी, काशीपुरी आए हैं, आकर के वहाँ निवास कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी थे उस समय बांग्ला बिहार उड़ीसा के महान अधिपति हुसैन शाह। हुसैन शाह उस समय नवाब था, उस समय एक नायक तंत्र था, जो जो राजा अपने दखल करके जितना एरिया बढ़ा लिया, वही एरिया वही इतिहास बस वही भूखंड होता था। ऐसे ये इस राजा के देश है, वो राजा के ये देश है, ठीक नहीं, आज बदल जाता है तो काला और एक राजा के वो जो भूगोल जियोग्राफी बदल दिया ऐसे। तो उस समय बांग्ला बिहार उड़ीसा इसके महान अधिपति थे हुसैन शाह, मुस्लिम पीरियड, उसके प्रधानमंत्री, उनके प्रधानमंत्री थे हुसैन, यही हमारे सनातन गोस्वामी। इनका नाम था अमर बंदोपाध्याय, बांग्ला में इनका पहला नाम था अमर बंदोपाध्याय, और हुसैन शाह ने नाम दिया साकर मल्लिक। पूरा अरबी, फारसी, उर्दू, हिंदी, हिंदी, फारसी, ऐसे 6-7 भाषाविद थे, और संस्कृति दिग्गज पंडित थे। महाप्रभु जाके राम के लिखा में उनके चरण सन्निध्य प्राप्त करके उनके भीतर तीव्र वैराग्य आ गया। वैराग्य आने से दिन इंतजार कर रहे थे कब हम घर छोड़ के महाप्रभु के चरण सन्निध्य प्राप्त करके हम ये संसार मायामय दुख से निवृत्त होकर उनके चरण प्रांत में पहुँच करके शांत हो जाएंगे, उनके भीतर में वो चेतना जागृति हो गई है। तो एक चिट्ठी लेकर रूप गोस्वामी गए थे एक बेनिया के पास, 10,000-7,000 स्वर्ण मुद्रा रख के गए हैं, जो कभी ज़रूरत होगा तो हमारे भैया को दे देना। तो चिट्ठी दिए हैं सनातन गोस्वामी को, जहाँ हम जा रहे हैं भैया, तुम्हारे ज़रूरत होने से ये चिट्ठी ये वही मोदी के पास से वो रुपया लेकर के कैसे भी हो तो मुक्त होकर आ जाना। 7,000 स्वर्ण मुद्रा माने बहुत होता है, तो उसको जेल में तो बंद कर दिया हुसैन शाह ने, क्योंकि बोलते हैं आप जो इच्छा करो हम राष्ट्र को करने के लिए तैयार हैं, तुम जाओगे वह हत्या करोगे मारोगे तो हमको छोड़ दो। और इधर उड़ीसा में चले गए लड़ाई करने के लिए हुसैन शाह, तो फिर वो मानने के लिए तैयार नहीं, बोलते 5,000 स्वर्ण मुद्रा देंगे भाई तुम हमको छोड़ दो। बोलते देखो अगर नवाब जान जाएगा तो हमको सूली पे चढ़ा देंगे, रुपया लेकर के क्या करेंगे हम मर ही गए तो। फिर बोलता भाई तुमको 7,000 स्वर्ण मुद्रा देंगे तुम हमको छोड़ दो। 7,000 स्वर्ण मुद्रा माने अभी का स्वर्ण, एक स्वर्ण मुद्रा माने 10 ग्राम, 10 ग्राम कितना है अभी 60,000 रुपया शायद ना, तो 60,000 इन तो 7,000 कितना रुपया होगा अभी हिसाब लगाओ। उस समय कब इतना पैसा, वो देखते थे कुछ भी हो जाए भाई हमारा 14 पुरी बैठ के अब खाता रहेगा, ये कोई बात नहीं। तो बोलते हैं ठीक है देखो, फिर पकड़ा जाएंगे तो बोलते कोई चिंता नहीं, तुम बोल रहा जे हम तो बंधा हुआ था, साकल हाथ में बंधा हुआ था और गंगा के किनारे में जाकर शौच करने के लिए गया, वहाँ जाके झटका मार के छलांग मार दिया नदी में, और छिकल फिकल ले करके कहाँ भाग गया, वो कहाँ चला गया कोई अता पता नहीं, ऐसा कह देना जनाब तुम चिंता नहीं करना, हम इस देश में नहीं रहेंगे, हम दरवेश बन के एकदम मक्का चले जाएंगे। और थे मुसलमान जैसे ना, मुसलमानी पोशाक, दाढ़ी भी ऐसा, टोपी पहनते थे, एकदम खानदानी मुसलमान। कोई जब चलते थे ना और ऐसे उर्दू फारसी ऐसे सब भाषा उच्चारण करते थे ना, सब जानते थे ये उच्च पदस्थ कोई पश्चिम से आए हैं, कोई ऐसे बड़े कोई महाराजा ऐसे। उसी अवस्था में वहाँ से भाग गए, भाग करके सीधा और एक जो साथी है उनको लेकर के आए हैं, आ करके वहाँ डकैत का पल्ला में पड़ गए, डकैत बड़ा खातिर करना शुरू कर दिए हैं।
वो देखते हैं ये हमको खातिर क्यों करता है भाई, अपने जो चेला जिसको ले गया साथ, क्या नाम, सनातन ना, ईशान, ईशान ईशान नाम के एक नौकर ले गया, और वो नौ तो स्वर्ण मुद्रा चोरी करके पॉकेट में डाल के ले गया। रास्ते में कोई आपत्ति विपत्ति, माने कभी विपत्ति आ जाए, उसमें पैसा है, माँ बाप के जैसे काम करता है, हर स्थिति में पैसा चाहिए, तो वो जानते हैं जो भाई जा रहे हैं बाहर, कुछ स्वर्ण मुद्रा ले लो, काम में आ जाएगा, तो ले लिया। अब सनातन गोस्वामी देखते हैं ये हमको खातिर क्यों कर रहा है, राजमंत्री सनातन बुद्धि बृहस्पति, जरूर कोई कारण है। तो बोला है तुम्हारे पास कोई पैसा कौड़ी है क्या, सही बताओ। तो बोलते हैं हाँ हमारे पास, हम तो ले आए हैं थोड़ा पैसा जो रास्ते में काम में आ जाए, 8 स्वर्ण मुद्रा 7 स्वर्ण मुद्रा है, एक बताया नहीं, एक दुबक के रख दिया, बोलते 7 स्वर्ण मुद्रा है। अरे दुष्ट, ये पैसा लेकर काल साहब लेकर के तू आया है हमारे साथ जाने के लिए रास्ते में, ये दुश्मन बन जाएगा, ये तो मार देगा। फिर वो डाकैत जो भुइया जो है उसको बुला करके कहते हैं भाई सुनो, हमारे पास 7 स्वर्ण मुद्रा है, तुम ले लो और हमको छोड़ दो, ये क्या करेंगे हम, जंजाल है। तो भुइया कहते हैं देखो हम जान गए थे पहले से, लेकिन तुम सज्जन है इसीलिए हम तुमको कुछ कहे नहीं, कोई बात नहीं तुमको हम छोड़ देंगे, पैसा तुम ले जाओ, तुम बहुत सज्जन है, अच्छा है। बोलते नहीं नहीं ये रास्ते में हमको और कोई मार के पैसा ले लेगा, तुम ही ले लो। तो 7 स्वर्ण मुद्रा दे करके रात का अंधकार में उनको गोरी पार करके रास्ता बना के वहाँ से भेज दिया, उस सीमा पार करके फिर धीरे 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 आए हैं मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में वहाँ एक जगह नाम था, क्या नाम, वहाँ जो उनका बहनोई, उनका बहनोई राज कर्मचारी थे, घोड़ा खरीदने के लिए इधर भेजे थे दूसरे राजा के यहाँ। तो देखा देख लिया जो हमारे सैलोक जो आ रहे हैं ना वहाँ, ये हाजीपुर ना, क्या नाम है, हाजीपुर नामक स्थान, हाजीपुर, तो वहाँ देख लिया, देखते सनातन वो जो आ रहे हैं, देख करके अरे तुम कहाँ जा रहे हो, बोलते हम तो बैराग ले लिया, आप तो महाप्रभु हमको बुला रहे हैं, हम तो महाप्रभु को जा रहे हैं। तो दोनों में आपस में बहुत सुंदर मेल मिला हुआ, खूब रोया जो तुम जा रहे हो, बोलते क्या करें अब, मानव जीवन का ये सबसे परम मंगल कार्य है, सबसे परम मंगल है जो इस शरीर रहते रहते हरि भजन करके संसार चक्र से पार लगा देते हैं, वही सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान है। हम जानते नहीं थे, हम माया मोह पर करके ये विषय बुद्धि हमारे बुद्धि को खराब कर दिया, और राजन्न खा करके दुष्ट राजा के संग में रह करके हमारे बुद्धि खराब हो गया। आप महाप्रभु की कृपा से हमारे बुद्धि आप शुद्धिकरण हो गया है, अब हमको जाने दो, हमको जाने दो, अब हमको कुछ नहीं चाहिए। खूब देख लिया संसार आनंद, देख लिया खूब राजपथ पा करके, खूब हमने आनंद को संसार को खूब चख लिया, अब हमको बाधा मत दो जीजा जी, हमको जाने दो। फिर क्या करेंगे, बोलते ठंडी मौसम है तुम जाओगे, कुछ तो साथ तो ले नहीं आए। तो एक बढ़िया भुटिया कंबल, भुटिया माने भूटान के जो है ना, भूटान के वो बढ़िया हाथ में बनाते हैं कंबल, अपने हाथ से बनाते हैं कंबल, बहुत मोटा कंबल और एक नंबर कंबल, उसको भोट कंबल कहते हैं, भोट माने भुटिया कंबल, भूटान से बन के आता था बेचने के लिए, कॉटन नहीं, रुई उलेन, भोट कंबल, भोट कंबल माने भूटिया, भूटान के रहने वाले वो लोग बना के लाते थे, इसलिए भोट कंबल कहते थे, बहुत अच्छा मोटा आप ऊल के बना हुआ। तो ये बड़ी कीमती कंबल दी, ये ठंडी में तुम जाओगे कम से कम हमारे कंबल को ले जाओ, कंबल को लेके आए हैं। लेकर आते आते मुसलमानी दाढ़ी, दाढ़ी मुसलमानी, ऐसे ही मुसलमानी चेहरा, ऐसे ही तो कुछ है नहीं, भोट कंबल पहन करके। फिर कहाँ तपन मिश्र, कहाँ तपन मिश्र से खबर लिए हैं, सबसे पूछे हैं भाई यहाँ कोई महत्पुरुष आए हैं, बोलते हैं हाँ, एक तो यहाँ हजारों लोग उनके पीछे पीछे डोलते हैं, उनके दर्शन के लिए लाखों लोग इंतज़ार करते हैं, मणिकर्णी का घाट में इंतज़ार करते हैं, कब आएंगे उनके दर्शन करेंगे। बोलते कहाँ रहते हैं महापुरुष, नहीं तपन मिश्र का घर दिखा दे, वहाँ पर रहते हैं। तो अच्छा हुआ, बढ़िया हुआ, ठिकाना मिल गया, ठिकाना मिल गया, अब तो कोई चिंता नहीं, जा करके द्वार पर बैठे हैं, बाहर में बैठे हैं, महाप्रभु भीतर है। तपन मिश्र को कहते हैं तपन बाहर में एक वैष्णव है, उनको बुला के लाओ।
वो आके देखते हैं मुसलमान दरवेश बैठा है, मुसलमान दाढ़ी दाढ़ी कंबल पहन के पक्का मुसलमान। ऐसे तो राजकल में चढ़ी थे, जैसे करते तो ऐसे ही वापस में आ गए। बोलते हैं प्रभु वैष्णव तो कोई है नहीं। अरे ना कोई नहीं है, कोई तो है, वो एक मुसलमान दरवेश बैठा है। वो तो वैष्णव तो, अरे वही दरवेश को ही बुला के लाओ, दरवेश को ही बुला के लाओ। जब दरवेश को बुला के लाए तो देखते ही एकदम एकदम भाव गदगद हो करके ए अनादिकाल के अनंत काल के जो दुख संताप, ये विषय का भी एक जाला होता है, इसका भी एक दमशन होता है। जो विषय है ना, विषय को कभी कभी सुख बनता है लेकिन सुख नहीं, जब उसका जलन होता है ना तब पता चलता है विषय कितना दुखदायी है। विषय किसको कहते हैं? विषय माने विष है, उसके विषय कहते हैं, उसके एक बड़ा जलन होता है। जब साधु जो भजन करना शुरू करते हैं ना, तो विषय चिंतन जो वो जो पूर्व अंतकरण की जो लगाव चिंता करके उसका बड़ा जलन होता है। तो आप वो जलन महाप्रभु को देख करके पूरा अनंत काल के संतप्त हृदय जलन जैसे शांत हो गया और दंडवत प्रणिपात करके एकदम अश्रुकंप पुलकित वैवर्ण ऐसे पुलकित अंग होकर के फुट फुट के रो रहे हैं और महाप्रभु पाकर के छाती में भर लिए हैं। प्रभु हमको स्पर्श नहीं करना, प्रभु हम अस्पृश्य हैं, हम नीच जाति के सेवक हैं, मुसलमान का अन्न खाया है हमने, हमारे जैसे नीच इस संसार में कोई होता नहीं। प्रभु हमने मुसलमान का अन्न खा के आया है, वह काम करता था, नौकरी करता था, भजन तो किया नहीं, कभी अपना कल्याण तो किया नहीं है, लेकिन आप कृपा करके हमको संसार से मुक्त करा करके आपके चरण सान्निध्य में खींच के लाए हैं। प्रभु मैं धन्य हूँ, प्रभु आपकी कृपा ही एक पत्र हमारे लिए अवलंबन है, हमारे निजी चेष्टा निजी साधन चेष्टा, इसके द्वारा कभी हम ही संसार सागर से पार लगा करके आपके छत्र छाया में हम पहुँच नहीं पाएंगे प्रभु। तो महाप्रभु कहते हैं सनातन दीनता छोड़ो, दीनता छोड़ो, तुम्हारे अंदर ऐसे सद्गुण है, तुमको स्पर्श करके मैं पवित्र होता हूँ, तुम इतना पवित्र कारिणी शक्ति तुम में है, तुम चिंता मत करो, आप तुम ठीक जगह आए हो, आप चिंता नहीं है, ऐसा करके फिर बोले हैं जाओ, बहुत समय हो गया, तुम अब स्नान ध्यान करके आ जाओ, आके प्रसाद पाओ, फिर जाके बात करेंगे। तो आज हम लोग यहीं तपन मिश्र का घर में अब इंतज़ार करेंगे, फिर काल महाप्रभु क्या करते हैं, क्या लीला करते हैं, इस विषय में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, उनकी अमृतमय लीला कथा आस्वादन करने के लिए प्रयत्न करेंगे। आज ही विश्राम, रात हो गया, आज हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, आज तपन मिश्र के घर में हम लोग अवस्थान करेंगे। जय जय श्री राधे। महाराज जी, जैसे मेरा भाई आदि संभोग इच्छामयी गोपियाँ हैं, संभोग इच्छामयी है, और राधा रानी से उतना प्रेम नहीं करते हैं, कृष्ण से प्रेम करते हैं, संभोग इच्छामयी, तो उन लोगों से भी क्या राधा रानी प्रसन्न होती है, प्रेम रखती है? देखो हाँ, प्रश्न बड़ी अच्छा है। राधा जी जो राधा कृष्ण जुगल प्रेम है, इसका दो प्रकार है, एक है संभोग इच्छामयी, एक है तद्भाव इच्छामयी। राधा कृष्ण जुगल तो हमारे इष्ट है ना, तो संभोग इच्छामयी कोई कोई स्त्रियाँ हैं जो कृष्ण को पोती मान करके इस तरह उपासना करते, इस पर कोई दोष नहीं है कि भगवान है जगतपति, सबका पति, समस्त आत्माओं का पति है, इसलिए भगवान को कहते हैं जगतपति। पिता हमश्व जगत माता दादा पिता माओ वेदम पवित्रम ओंकार ऋक्षाम जोजी रे बचा गतिर भर्ता, भर्ता मन पोती, गतिर भत्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम श्री प्रभाव प्रलय स्थानांग निधानम विजमाव्यम तपम महमहम निग्रहणाम अमृतांज मृत्युच्च सदस्य अहम अर्जुन सब वैगु। इसीलिए भगवान को प्रतिमान के कोई उपासना करते हैं उस पर कोई दोष नहीं लगता है, कैसे भी कोई भी भावना लेकर के कृष्ण को तुम अपनाओ उस पर कोई दोष नहीं लगता है। लेकिन हमारी जो उपासना पद्धति, इसमें ये संभोगेच्छामयी ये राधारणी की जो सखी, राधारणी की जो अमंदिरी सखी उपासना पद्धति, इसमें इसका तालमेल नहीं है, ये अलग है। ये कृष्ण सखित्व प्राप्त करते हैं, ये कृष्ण के सखी बन जाते हैं, ये है, कोई दोष नहीं लगता है। आप ये कह रहे हैं क्या जो संभोगेच्छामयी भाव लेकर के कांता भाव लेकर के
कृष्ण को कांता मान करके, अपने पति मान करके जो उपासना करती हैं, इनके प्रति राधा रानी की क्या भावना है? राधा रानी प्रसन्न होते हैं हर अवस्था में, क्यों कृष्ण हमारे प्राणनाथ को भजन करते हैं ना, तो उसी में ही राधा रानी प्रसन्न है। कैसे भी भावना लेके तुम भजन करो हमारे प्राणनाथ, वहाँ तो ये लौकिक उपासना नहीं, जो हमारे पति हमारे प्रेमिक जन उनके साथ और कोई बात करे देखे तो फिर उनका जलन शुरू हो जाता है, ऐसा नहीं है वहाँ, ऐसा नहीं है वहाँ, वहाँ ये सब भावना नहीं है। वहाँ जो हमारे प्राणनाथ कृष्ण है ना, उनसे प्यार करते हैं तो वो ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, अच्छा है बहुत सुंदर, ऐसे नहीं है। राधा रानी उनको कृपा अवश्य करते हैं। दूसरे रस का जो भक्त है सख्य वात्सल्य आदि, उनके ऊपर भी क्या राधा रानी प्रसन्न है प्रेम है? कोई भी उपासना करे वहाँ राधा रानी इतने उदार, वहाँ कोई संकीर्णता का कोई स्थान ही नहीं है, वहाँ राधा रानी की कृपा, तो राधा तो आद्याशक्ति राधा रानी है ना, राधा रानी की कृपा बिना तो कृष्ण के साथ कोई भी संबंध जोड़ो वहाँ तो सिद्ध होना संभव नहीं है, है ना, ऐसी बात है।